हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बिल एंट्री किस तरीके से की जाती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें एक्सेल में मेरा ओपन है और इसमें मैं बिल एंट्री का जो है बना चुकी हूँ फॉर्मेट। अब इसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे हम इसका अमाउंट निकालेंगे, डिस्काउंट कैसे निकालेंगे और ग्रेड अमाउंट, मतलब बहुत सारी चीजें आपको इसमें बताने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, ध्यान से देखें बिल एंट्री कैसे कैसे करते हैं। तो आइए जाने, इसमें सबसे पहले हमको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो इसमें कुछ दे रखे हैं, प्रोडक्ट्स नेम दे रखे हैं मेरे बहुत सारे, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू, बहुत सारे प्रोडक्ट्स नेम दे रखे हैं। और ये मैंने इसमें रेट भी दे रखा है इन सभी के, इस तरीके से रेट दे दिए हैं। और ये जैसे इसकी क्वांटिटी है, क्वांटिटी मतलब होता है पीस, कि हमको कितना पीस मंगाना है। तो कीबोर्ड का हमने 20 डाला है। अब नेक्स्ट हमारा अमाउंट, तो यानी कि कीबोर्ड 250 रुपए के 20 कीबोर्ड कितने रुपए के हो जाएंगे, तो उसके तरीके से हम आपको डालना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इक्वल लगाएंगे पहले और आप इस रेट को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और क्वांटिटी को सेलेक्ट कर लेंगे और क्या कर देंगे, यहाँ से हम एंटर कर देंगे। तो देखिए 250 रुपए से 20 कीबोर्ड हमारे हो गए 5000 के, ठीक है। तो इस तरीके से हम सभी में फॉर्मूले लगा लेंगे। और फॉर्मूले लगाने के बाद हमको क्या करना है, जैसे कि मैंने इसमें फर्स्ट टाइम फॉर्मूला लगाया है, तो आप इन सबको ड्रैग भी कर सकते हैं एक बार में इस तरीके से, या फिर विंडो डी भी कर सकते हैं आप, ठीक है। जैसे कि मैं कंट्रोल जेड किया, वापस हो गया है। अब मैंने इसको किया सेलेक्ट यहाँ और कंट्रोल डी कर दिया, तो देखो सबका आंसर इस तरीके से भी आ जाएगा, ट्रैक नहीं करें तो आप, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम मुझे क्या करना है, इनका सबका टोटल निकालना है, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा इन सबको ऐड करने के बाद। तो उसके लिए हम सबका फॉर्मूले का यूज करेंगे और मैं आपको पिछली वीडियो में बता भी चुकी हूँ सम फॉर्मूले का यूज, ठीक है। तो हम इसका जल्दी से शॉर्टकट की के द्वारा यूज करेंगे। तो उसके लिए कि मुझे करना है, अल्ट को होल्ड करने के बाद इक्वल प्रेस किया मैंने एंड एंटर कर दिया। तो देखिए इन सब का टोटल यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा डिस्काउंट निकालना है हमको 10%, ठीक है। तो हम 10% का डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, इक्वल दिया और टोटल को मैंने सेलेक्ट किया है एंड मल्टीप्लाई दिया, मल्टीप्लाई का साइन लगाने का हमको करना है 10% डिवाइड 100, और ये हमने इसका 10% डिस्काउंट निकाल चुके हैं। अब इसका मुझे निकालना है सब टोटल, जैसे कि इनका सब टोटल कैसे निकालना है, इक्वल देंगे फिर हम टोटल को सिलेक्ट करेंगे एंड माइनस का साइन लगाएंगे और डिस्काउंट को सेलेक्ट करने के बाद एंटर कर देंगे, ठीक है। ये इसका सब टोटल आ चुका है। अब हमें अगर CGST और SGST लगानी है, CGST का मतलब होता है सेंट्रल GST एंड स्टेट GST, ठीक है। तो अगर आप ये अलग अलग लगाएंगे तो हमको 9% लगाना होगा, और आप ओनली GST लगाओगे तो हम क्या करेंगे, इसको 18% GST भी लगा देंगे, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल हम इसमें क्या कर रहे हैं, 9% का डिस्काउंट काटेंगे CGST और SGST के द्वारा, ठीक है। तो इसमें हमको निकालना कैसे है, इक्वल देना है, फिर हम सब टोटल को सेट करेंगे एंड मल्टीप्लाई देंगे और 9% जो हम डिस्काउंट निकाल रहे हैं वो डालेंगे और डिवाइड 100 डालेंगे, ठीक है। इस तरीके से, तो सेम तरीके इसका भी हम यहीं पर करेंगे, इसका भी 9% हमारा। तो फिर से हमने इसको सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई 9 डिवाइड 100, दोनों का सेम आ जाएगा। अब हमको ग्रैंड टोटल निकालना है, तो ग्रैंड टोटल कैसे निकालना है हमको, देखिए इक्वल दिया मैंने, सम लिखा एंड ब्रैकेट ओपन किया है और इन सबको क्या कर लिया मैंने सेलेक्ट और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर दिया, ठीक है। तो देखिए हमने इसका क्या कर दिया, यहाँ पर टोटल कर दिया है, ठीक है। तो हमारा ये हुआ, इसका आंसर भी निकल चुका है पूरा। और जैसे कि आप जो देख पा रहे हैं राइट साइड आ रहा है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सेंटर में करने के लिए जैसे मैं इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने क्लिक कर दिया है, ये सेंटर का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर देंगे, इसको हम बोल्ड भी कर देते हैं, तो ये मैंने बोल्ड भी कर चुकी हूँ इसको। और देखिए हमारा बिल एंट्री बन करके पूरा तैयार हो चुका है। तो मैंने पूरा फॉर्मेट एक ही कलर का रखा है ओनली, अगर आप चाहें तो इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, तो मैंने सिर्फ इतना इसी को किया है। तो आगे की वीडियो देखने के लिए, ताकि आपके पास आगे की वीडियो आते रहे, तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।